गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मुंबई का नेक्सस ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय हम पनवेल स्टेशन पे हैं और आज हमारी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। गणपति पुले जा रहे हैं आज हम लोग। और ये ऐसा है स्टेशन, सुबह सुबह इस समय 6:40 हुए हैं। पनवेल स्टेशन का ये 360 व्यू। कहाँ जा रही हो? गणपति पुले। कहाँ उतरोगी? रत्नागिरी। आज हम लोग रत्नागिरी स्टेशन पे उतरेंगे और वहाँ से गणपति पुले जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं, पनवेल स्टेशन के अंदर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मुंबई का नेक्सस ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय हम तेजस एक्सप्रेस से रत्नागिरी जा रहे हैं और ये 7:02 हुए हैं। ट्रेन थोड़ा लेट है, 22119। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई यात्राएं लेकर आते हैं। आज हम तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करेंगे पनवेल स्टेशन से रत्नागिरी स्टेशन तक। हमें उसके आगे गणपति पुले जाना है। बहुत भीड़ है क्योंकि 3 दिन का हॉलिडे है, इसलिए हमारी फैमिली, हम दोनों लोग जा रहे हैं रत्नागिरी गणपति पुले तेजस एक्सप्रेस से, जो कि मडगांव गोवा तक जाती है मुंबई सीएसटी से। 22119। चलिए मिलते हैं ट्रेन में। तेजस एक्सप्रेस 22119 CSMT टू मडगांव माओ MAO आ रही है। WAP 37536 इंजन है इसका, WAP 7 तेजस एक्सप्रेस। ये विस्टाडोम कोच है इसका, इंडियन रेलवे तेजस एक्सप्रेस। और ये है तेजस एक्सप्रेस। हम अपने कोच का वेट कर रहे हैं, C4 C8 C5 दिख रहा है इधर, साफ सुथरी फास्ट ट्रेन जिससे हम आज पनवेल स्टेशन से रत्नागिरी जाएंगे। अच्छा, हाँ, हम अपने कोच पे आ गए C4 और अंदर चलेंगे। काफ़ी रश था यहाँ। हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं और ट्रेन भी हमारी चल रही है राइट टाइम 11:10 पे हम लोग रत्नागिरी पहुँचे। ऐसा है कोच का फर्स्ट व्यू, एसी चेयर कार। पनवेल स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है।
रेलवे स्टेशन से निकल के जब हम पढ़ते हैं आगे, तो ये देखिए पिलर्स खड़े हुए हैं। ये करजत की जाने वाली रेलवे लाइन का ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज, और ये एलिवेटेड होगा ट्रैक जहाँ तक वन साइड। पनवेल से ट्रेन निकली और पहले तो हमें ये पानी का बोतल दिया और उसके बाद अभी ये टी का सामान आ गया है, बॉइल्ड वाटर, और ये टी का सेट है। इसमें पाउच है, शुगर, ये आपका मिल्क और टी पैक, टी पाउच, और एक ये मैरी गोल्ड, मैरी क्लासिक बिस्किट है। चलिए देखिए चाय को अब एंजॉय करते हैं, मैडम चाय बना रही हैं। अब हमारी ट्रेन पैंड से निकल गई है और ये देखिए सामने गोवा अलीबाग हाईवे है, और देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं हाईवे पे, डिवाइडर पे फ्लावर्स बहुत अच्छे कलर हैं। और ये एलिवेटेड रोड चालू हो गया, ये आगे जिंदल स्टील वर्क्स है वहाँ पे निकलेगा ये फ्लाईओवर। और रोड साइड ये पोहा है, क्या टेस्ट करके बताइए कैसा है। सही है, हल्का हल्का सा है। और ये उपमा है, अभी हम दोनों पोहा और उपमा को पहले करेंगे, सैंडविच नहीं खोल रहे अभी, सैंडविच बाद में खोलेंगे। और ये मैनिया कोल्ड ड्रिंक, मैंगो कोल्ड ड्रिंक है, 23-24 राजीव। कोंकण बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है, सा रहता है, बारिश के सीजन में तो कोंकण से ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगता है, बारिश, बादल, इसमें भी देखो फॉग है, देखिए कितना फॉग है, देख रहे हैं आप लोग, फॉगी फॉग। अब हमारी ट्रेन रोवा से पास हो रही है रोवा स्टेशन। यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है, नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। नंबर तीन से, प्लेटफॉर्म नंबर तीन से ये पास हो रही है नॉन स्टॉप। शानदार वैली व्यू, ये ब्लॉग आप मुंबईकर नेक्सस ब्लॉग में देख रहे हैं। कोंकण रीजन से हम निकल रहे हैं, कोंकण रेलवे। अभी लगता है कि स्टेशन आने वाला है, करण जाड़ी। कोंकण रेलवे का निर्माण मशहूर इंजीनियर श्रीधरन के नेतृत्व में हुआ था, जो केरल के रहने वाले हैं, और लगभग 760 किलोमीटर लॉन्ग ये, और ये देखिए टनल आ गई है। इसमें लगभग टनल भी बहुत है, टनल से बाहर आ रहा है। कोंकण रेलवे बहुत टफ था, जो टास्क में श्रीधरन जी को दिया गया था, बहुत मेहनत से, बहुत सूझबूझ से उन्होंने इस कोंकण रेलवे को बनाया। सीबीडी
बेलापुर में इसका मुख्यालय है कोंकण रेलवे का। ये ब्लॉग आप मुंबई कर नेक्सस ब्लॉग में देख रहे हैं। बहुत मेहनत लगी है इस कोंकण रेलवे को बिल्टअप करने में। सारे इंजीनियर, सारे टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा बनाया है। फिर एक टनल आ गई, टनल के अंदर से हम जा रहे हैं। टनल, छोटी छोटी टनल, बहुत सारी टनल्स बनानी पड़ी हैं। ये देखिए नीचे वैली है, इतना शानदार व्यू आ रहा है वैली का। इस समय हमारी ट्रेन विंधेरे स्टेशन पे है। लगता है किसी ट्रेन का क्रॉसिंग है यहाँ पे। धीरे धीरे चल रही। स्टेशन की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। डिजाइन देखो, रोमन स्टाइल में लग रही है डिजाइन बिल्कुल। अभी हम तेजस एक्सप्रेस से उतरे हैं और अब गणपतिपुले के लिए जाएंगे। ये है तेजस एक्सप्रेस, ये हमारा कोच था। इधर से बाहर निकलेंगे। ऐसा है ये रत्नागिरी का स्टेशन, रत्नागिरी। अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ये यात्री इधर आ गए हैं। इधर देखो, आओ। हाँ, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हमने जो कन्वेंस लिया हुआ है उससे जाएंगे गणपतिपुले। टी स्टॉल चल रहा है, चल रहा है। और ये लिफ्ट है, लो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। आ नहीं रही है, क्या बात है। हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए। ये इधर बुक टिकट घर है। एक स्थान एक उत्पाद, कोंकण रेलवे रत्नागिरी स्टेशन। कोंकण रेलवे रत्नागिरी स्टेशन
ये है स्टेशन कोंकण रेलवे रत्नागिरी KR, ये इसका मोनोग्राम है। बहुत खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है ये। और आज के हमारे पायलट हैं मिस्टर अनिल, ये गणपतिपुरे के ही रहने वाले हैं, ये हमको वहाँ लेके चलेंगे। बहुत अच्छा स्टेशन, खूबसूरत लग रहा है। अब हम रत्नागिरी स्टेशन से बाहर निकल आए हैं और गणपति पुले के लिए, ऐसा खूबसूरत स्टेशन है रत्नागिरी का। अच्छा 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 सही जगह बना।